आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बातें सुनने के द्वारा थोड़ा दिल दुख सकता है, चोट लग सकती है, मन में विचारों को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन सत्य है ये बातें सिर्फ मसीह व्यक्ति के बारे में, एक मसीह विश्वासी के बारे में। क्योंकि कहा जाता है कि इस धरती पर है ना, आज भी दो प्रकार के विश्वासी रोते हैं, आज भी दो प्रकार के विश्वासी रोते हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु में अगर हम गिर भी गए ना, तो प्रभु में उठना सिखाता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम उठना चाहते हैं, अपने कपड़ों को झाड़ कर, क्या हम दौड़ने में फिर से लौलीन होना चाहते हैं, या फिर हम उठकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, या फिर उठकर परमेश्वर के मार्ग में दौड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर पड़े रहने चाहते हैं, या फिर हम प्रभु के मार्ग को छोड़कर वापस जाना चाहते हैं, जैसे इसराइलियों ने किया था। वो बार बार कहते थे इससे बढ़िया तो हम वहीं ठीक थे, मिस्र में ही ठीक थे, मिस्र में ही सही थे, मिस्र में ही खाना अच्छा था, हम यहाँ पर क्यों आ गए। आज दो प्रकार के इस धरती पर लोग रोते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी बतलाया जाएगा, ये दो प्रकार के लोग हैं, और ये दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही प्रकार के लोग प्रभु को जानने वाले हैं। अन्य जातियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर प्रभु के विश्वासी लोगों की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर हम सब विश्वासी हैं, उसी प्रकार से आज इस धरती पर इन दो प्रकार के लोग रोते हैं। कौन से? सबसे पहले लोग वो हैं जिन पर परमेश्वर ने भरोसा किया, जैसे कि परमेश्वर ने अपने पुराने समय में सुलेमान पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर को धोखा मिला। दाऊद पर भरोसा किया, दाऊद के बारे में कहा ये तो मेरा मनभाव व्यक्ति है। और भी परमेश्वर ने कई सारे अभिषेक्तों पर भरोसा किया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज भी परमेश्वर ऐसे बहुत से लोगों पर भरोसा करता है जिनको परमेश्वर ने भरोसा करने के द्वारा, परमेश्वर ने जिन पर भरोसा किया और जिन पर परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को रखा, अपने अभिषेक को रखा, जिनकी ज़िंदगी में, जिन विश्वासियों की ज़िंदगी में प्रभु ने अपनी आत्मा को रखा, अपने अभिषेक को दिया, सामर्थ्य को दिया, अपने अपने चमत्कारों के वरदानों को दिया, और परमेश्वर ने अपने उन पहले नंबर की कैटेगरी वाले लोगों को सब प्रकार की भरपूरी दी, आशीष दी, बरकत दी, चंगाइयाँ दी, छुटकारे दी, सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया, भरपूरियाँ दी, और यहाँ तक कि प्रचार करने का अनुग्रह दिया, सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह दिया, आराधना प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया, मतलब सब कुछ वो काम करने का अनुग्रह दिया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है बिना प्रभु की इच्छा के। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उन प्रभु के लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए, मौके दिए। परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का, प्रचार करने का, आराधना करने का, और जगह जगह लोगों को वचन सुनाकर, प्रचार सुनाकर उनको चंगा करने का, छुटकारा देने का, वरन अपनी जिंदगी में भी परमेश्वर के अनुग्रह से बड़े बड़े काम करने का प्रभु ने मौका दिया। परमेश्वर ने सामर्थ्य और अभिषेक से नवाजा, पदवियां दी परमेश्वर ने, किसी को पास्टर बनाया, किसी को टीचर, किसी को प्रीचर, किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को रेवरन, किसी को प्रॉफिट, तो किसी को अपोस्टल। परमेश्वर ने बहुत से विश्वासियों को बहुत कुछ बनाया, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि देख, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई मुझे खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत से अभिषेकों पर भरोसा किया, क्योंकि पुराने टाइम में भी प्रभु ने धोखा खाया था, आज भी उसको धोखा ही मिल रहा था। अगर आप बैठ कर देखोगे ना प्रभु की जब बाट जोहोगे, अगर आप सच में आप प्रभु के खोजी हो, तो प्रभु की आवाज रोते हुए आपको सुनाई देगी, प्रभु गिड़गिड़ाते हुए सुनाई देगा, यीशु गिड़गिड़ाते हुए सुनाई देगा अपने पिता के आगे, प्रार्थना करते हुए, हे पिता इनको क्षमा कर, देख कोई बात नहीं प्रभु, इनको माफ कर, इनको फिर से उठा, फिर से अनुग्रह कर, फिर से इनको आशीष दे, फिर से इनको सुसमाचार सुनना सुनाने का अनुग्रह दे, फिर से इनको प्रचार करने का अनुग्रह दे। यीशु आज भी अपने विश्वासियों के विषय में प्रार्थना करता है अपने पिता से, हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने पवित्र शास्त्र में साफ कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने बहुत भरोसा किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, लेकिन उस सुलेमान के बारे में जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, एडी से लेकर चोटी तक का सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, धन, दीर्घायु, महिमा, सब कुछ, लेकिन उस सुलेमान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर ने बार बार, दो बार स्वप्न में आकर भी मना करा था कि तू ये काम मत करना, लेकिन फिर भी सुलेमान ने धोखा दिया, दाऊद के द्वारा धोखा मिला। और भी कई सारे ऐसे अभिषिक्त हैं पवित्र शास्त्र में। अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा था, लेकिन अब्राहम भी व्यभिचार करने निकला, सोचो। और कैन, हाबिल, आदम, हवा, और हम पुराने नियम से जांचते हैं, टेस्ट करते हैं इन चीज़ों को, तो देखो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोगों ने प्रभु का दिल दुखाया है। हालांकि मतलब परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे आशीषित भी किया, चंगा भी किया, छुटकारा भी दिया, समुद्र को दो भाग भी किया, आशीषित किया, लड़ाई दंगों से बचाया और महामारियों से बचाया, विपत्तियों से बचाया, शत्रु को उनके वश में कर दिया, और परमेश्वर ने सामर्थ्य और अभिषेक से उनको नवाजा। जैसे कि शिमशोन को भी हम ले सकते हैं, शिमशोन को भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपने सामर्थ्य से उसको भरा था। परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरता था,
लेकिन परमेश्वर को शिमशोन के द्वारा भी धोखा मिला। परमेश्वर ने तो अपनी अद्भुत योजनाओं के लिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को खड़ा किया था कि ये मेरे कामों को करेंगे, ये अपने शरीर पर मन नहीं लगाएंगे, ये संसार को खुश नहीं करेंगे, संसार के अभिलाषों में लिप्त नहीं होंगे। परमेश्वर ने तो ये इच्छा रखी थी और ये भरोसा किया था कि ये मेरा विश्वास योग्य है और ये मेरा बहुत अच्छा पुत्र है, ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है और ये मेरा मनभाव है और ये मेरे साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर को बहुत से अभिषिक्तों के द्वारा धोखा मिला और आज भी उसने धोखा ही खाया है। लेकिन प्रभु विश्वास योग्य हमारे लिए निकला। आज हम कितना भी यीशु को धोखा दे दें, लेकिन अगर हम आज पश्चाताप करके प्रभु के पास आते हैं ना, तब भी वो हमें माफ करने में, क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये पहली कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की भरपूरी को, परमेश्वर की दी हुई आशीष और सेवा को हल्के में लिया, परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर नहीं रहे और उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। ये है पहली कैटेगरी के लोग जिसमें परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, जैसे कि शिमशोन को हम याद कर सकते हैं। लेकिन हमने इस बात को देखा शिमशोन की जिंदगी में, शिमशोन ने वचन को हल्के में लिया, अरे प्रभु तो मेरे साथ रहता है, जैसे कि दाऊद, अरे परमेश्वर का तो मैं मन भाव बन गया हूं, अरे मैं क्या करूंगा युद्ध में जाके, अरे मैं तो आराम फरमाऊंगा, आराम से सोऊंगा। और देखो जैसे ही वो सोकर उठा उससे व्यभिचार हो गया, सोचा अरे मैं तो परमेश्वर का मन भाव हूं। वचन सबके लिए एक सा है, मन भाव वो जब तक रहा परमेश्वर का, जब तक वो आज्ञाकारिता में रहा, जब तक वो आज्ञाकारी रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने युद्ध के मैदान को छोड़ा, जैसे ही शिमशोन ने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, वैसे ही परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से हट गया और खुदा बाप अपने लोगों को बनाकर पछताया, उनके ऊपर भरोसा रख के पछताया। जैसे दाऊद ने गिड़गिड़ा कर पश्चाताप किया, जैसे शिमशोन ने पश्चाताप किया। शिमशोन के बारे में देखते हैं, शिमशोन ने पश्चाताप जब किया जब उसको कुछ नहीं मिल पाया, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसको पता भी नहीं था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, और वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, आंखें भरता रहा, उसके बाल काट दिए गए, उसको गंजा कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको तमाशा बना दिया गया। कहां वो लोगों को यूं उठाकर फेंक दिया करता था, रथों को फेंक दिया करता था, शेर और भालों को यूं ही फाड़ दिया करता था। लेकिन जैसे ही उसने पाप के साथ संसार को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की बातों पर मन लगाया और उनके अनुसार जीता रहा, तो परमेश्वर उसके पास से चला गया और उसको ये पता भी नहीं चला। आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में आती है तो बड़े बड़े काम नजर आते हैं। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली होते हैं, अधूरे अंग पूरे होते हैं, टेढ़े मेढ़े अंग सीधे होते हैं, छोटे बड़े अंग नॉर्मल होता है, बीमार चंगे होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, आंसू पोंछे जाते हैं, बीमार सब प्रकार की बीमारियां चंगाई में बदलती है, श्राप आशीष में बदलते हैं, बंधन टूटते हैं, बदरूहें जलती हैं, लोग आजादी पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमने देखा है पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है तो अन्य भाषाएं भी होती हैं और बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, अटूट विश्वास के साथ आश्चर्य कर्म भी होते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा जाता है ना, तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती। हम शिमशोन को देखकर पता लगा सकते, जब मैं वो वचन पढ़ता हूँ ना कि शिमशोन तो यह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात, आज्ञा और उसके दिए हुए को हल्के में लिया और उन लोगों ने खो दिया। आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जीवन ठंडा गुनगुना हो चुका है। और प्रभु कहता है कि देख, वचन में लिखा है, आप और मैं जानते हैं अच्छे तरीके से, यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारे शत्रुओं का शत्रु है, प्रभु हमारे वैरियों का वैरी है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वो साफ कहता है अपने विश्वासी व्यक्ति को, सुन, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब तू शुरुआत में मुझ में आया तो तू सरगर्म रहा, मुझे पहला स्थान दिया, मेरी इच्छा के अनुसार चलता, मेरी बात को मानता, प्रार्थना आराधना में लौलीन रहता, मेरा भय मानकर मेरे मार्गों पर चलता, बुराई से बैर करता, संसार को प्रसन्न नहीं करता। लेकिन आज तुझे क्या हो गया? आज मुझे तेरे विरुद्ध में ये गवाही देनी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा, पश्चाताप कर और पहले के समान काम कर, वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। और परमेश्वर इस बात को लेकर अपने उन लोगों को, उन विश्वासियों को जिनकी सेवा शुरू हो चुकी थी, जिनकी सेवा शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है या शुरू होने पर है या शुरू होने की लाइन में है, प्रभु कह रहा है कि सावधान, मन फिरा, सरगर्म रहे, ना तो ठंडा है ना गर्म, तो गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु ने बहुतों को मुंह से उगल दिया है और बहुतों को मुंह से उगलने पर है। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं।
बहुतों को प्रभु मुंह से उगलने पर है, अगर कोई व्यक्ति उल्टी भी कर देता है ना तो उल्टी को कभी खाता नहीं है। सोचो कुत्ता तक अपनी उल्टी को नहीं खाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज ये बात बतलाना चाहता है कि देख, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु हमसे फिर से कहना चाहता है कि मन फिरा और फिर से खड़ा हो। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ परमेश्वर की ओर से पाया और उन्होंने खो दिया, या जिंदगी में ऐसी गलतियां कर दी, ऐसी गड़बड़ियां कर दी कि परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रह सके। और आज वो रोते हैं कि प्रभु हमें तो फिर से खड़ा कर। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो आज रोते हैं सब कुछ पाने के बाद भी, जब उन्होंने खो दिया तो रोए, जैसे सुलेमान रोया था, जैसे दाऊद रोया था, जैसे अब्राहम, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त रोए थे जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। उनकी आंखों में आंसू, उनकी आंखों में नमी, उनका दिल टूटा हुआ था कि मैंने किस पवित्र परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने उसको धोखा दे दिया, उसने मुझे सब कुछ दिया। जिसको देना आता है उसको लेना भी आता है, तो हमें उसके दृष्टि में उसके भय को मानकर चलना जरूरी है। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, ये पहले विश्वासी वो लोग हैं जो प्रभु को जानते, चाहे आप है चाहे मैं, हम विश्वासी प्रभु को जानने वाले, चाहे हमारी सेवा शुरू हुई है या होने वाली है, हो चुके, प्रभु हम सभी से कह रहा है, चाहे वो सेवा घर की है, चाहे बाहर के, चाहे चर्च के, चाहे कलीसिया की, चाहे अपने घर को संभालने की, चाहे प्रचार करने की, चाहे प्रचार सुनने की, चाहे प्रार्थना आराधना करने की, चाहे प्रार्थना में बैठने की, सेवा सेवा है। परमेश्वर के साथ 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 चलना, विश्वास करना कलीसिया के प्रति, प्रभु को लेकर। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हम सभी से कह रहा है। और ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने भरोसा किया और सब कुछ दिया, और उन्होंने हल्के में लिया प्रभु के वचन को और ठट्टे में उड़ाया और वचन के साथ गंभीर नहीं रहे, और उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, अपने लेवल को खो दिया, लोगों को खो दिया, भेड़ों को गवा दिया, अपनी अर्निंग सेविंग्स सब कुछ खो दिया, और आज ठंडे गुनगुने पड़ गए हैं। वरन परमेश्वर उनको मुंह से उगलने पर है, लेकिन फिर भी आज कह रहा है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर, वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। यदि हम आज भी पश्चाताप करके माफी मांग कर प्रभु के आगे आने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु आज भी मन फिरा, मन आज भी हमारे मन फिराव को देखकर हमें क्षमा करके अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो बहुत रोते हैं, जिनको प्रभु ने बहुत कुछ दिया लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको मौका ही नहीं मिला कभी, जो आए हैं प्रभु में, विश्वास किया है, नए हैं, बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, पवित्र आत्मा का दान पाया है या नहीं पाया है, लेकिन भूखे और प्यासे हैं, प्रभु तेरी आराधना करनी है, प्रभु तेरी सेवा करना चाहता हूँ, एक पास्टर के प्रति, एक पास्टर होने के प्रति, एक पास्टर बन के तेरी सेवा करना चाहता हूँ, एक रेवरन, एक टीचर, एक प्रीचर, एक इवेंजलिस्ट, एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल, तेरी सेवा में होकर तेरी महिमा के अनुसार मैं करना चाहता हूँ। प्रभु प्रचार के लिए मुझे खड़ा कर, प्रभु चंगा करने के लिए मुझे खड़ा कर, प्रभु आश्चर्य कर्मों के लिए मुझे खड़ा कर, प्रभु मैं तेरे लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं लोगों के आंसू को पोंछना चाहता हूँ, प्रभु मैं लंगड़ों को चलाना चाहता हूँ, मैं अंधों को आंखें देना चाहता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, प्रभु तू मुझे खड़ा कर। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो आज रोते हैं, प्रभु मेरे को कब तू इस्तेमाल करेगा, क्या मेरा भी कभी दिन आएगा, क्या कभी तू मुझे भी इस्तेमाल करेगा। बहुत रोते हैं, प्रभु मुझे याद करना अपने काम के लिए, मैं भी तेरी आराधना करना चाहता हूँ ऊंचे लेवल से, मैं भी तेरे स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूँ आराधना करने के द्वारा, प्रभु मैं भी प्रार्थना करूँ तो लोग चंगे हों, छुटकारे पाएं, आशीष पाएं, बरकत पाएं, बंधन टूटें, दुष्टात्माएं निकलें, प्रभु लोगों के आंसू पोंछ जाएं, प्रभु तो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु मैं भी तेरा प्रचारक बनना चाहता हूँ, मैं भी तेरा आराधक बनना चाहता हूँ, मैं भी तेरी सेवा को पूरे हृदय आत्मा सच्चाई से करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे को प्रचार करना सिखा, मेरे को आराधना करना सिखा, मुझे वचन के प्रकाशन देना बांटना सिखा, प्राप्त करना सिखा, प्रभु मुझे तेरे सेवा को करने की अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे, प्रभु मेरे को कब मौका मिलेगा, मेरा कब समय आएगा, प्रभु क्या मैं कर सकूंगा, प्रभु तू मुझसे चाहता क्या है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु मेरी तो इच्छा है कि मैं तेरी सेवा करूँ। रोते हैं आज, रोते हैं, बिलखते हैं, अपने आंसू को बिछोने पर डालते हैं, तकियों को भिगोते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू बाइबल पे टपक पड़ते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, जो आज भी आशा और विश्वास के साथ बैठे हैं, और लिखा है देख तेरी आशा कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी, तू फिर कभी लज्जित ना होगा, क्योंकि मैं तेरी आशा और विश्वास का परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है ऐसे लोगों से, एक समय आएगा मैंने तुझे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है, एक निश्चित समय आने पर मैं अपनी मुट्ठी को खोलूंगा,
और तुझे संसार में प्रकट करूंगा और तेरे अंदर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा उठाऊंगा, तेरे द्वारा मैं जाति जाति को अपना चेला बनाऊंगा और तेरे द्वारा मैं लोगों की जिंदगी में आश्चर्य कर्म को प्रकट करूंगा, तेरे द्वारा मैं मुर्दों को जिलाऊंगा, तेरे द्वारा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, तेरे द्वारा मैं बीमारों को चंगा करूंगा, तेरे द्वारा मैं सेवकाइयों को शुरू करूंगा, तेरे द्वारा मैं अपनी बड़ी महिमा लूंगा, तेरे द्वारा चेले तैयार किए जाएंगे। प्रभु आज कहता है उन लोगों से जो भूखे और प्यासे हैं, ठोकर खाते हैं, दर दर मारे फिरते हैं, परमेश्वर उनके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जो उसके लिए जीना चाहते हैं ना, बस प्रभु कहना चाहता है कि बस दीनता से मेरे धीरजवंत हाथ के नीचे बनी रहे, एक समय आने पर मैं तुझे उठाऊंगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। प्रभु ने कहा छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बनेगी। मैं यहोवा हूँ, उस कार्य को शीघ्र ही पूरा करूंगा। प्रभु हमारे लिए अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हम दूसरे नंबर की कैटेगरी के लोगों को, जो भी हैं, आप हैं चाहे मैं हूं, हमें नहीं पता, वो प्रभु जानता है कि हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, पहली कैटेगरी के, दूसरी कैटेगरी के। पहले नंबर के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पाया, खो दिया, हल्के में लिया और फिर रो रहे हैं कि प्रभु मैं दोबारा से दे। और दूसरे नंबर के लोग, दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, वरन करना चाहते हैं, रोते हैं, आहें भरते हैं, आंसू से चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर, मुझे भेज प्रभु लोगों को बचाने के लिए, मैं तेरे लोगों को बचाऊं, मैं आग के भट्टे में से निकालूं, मैं नरक से तेरे लोगों को बचा कर लेकर आऊं, मैं तेरे भवन को कलीसियाओं से भर दूं, मैं तेरे भवन को आत्माओं से भर दूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रोते हैं, प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, क्या तू कभी मुझे भी खड़ा करेगा प्रचार के लिए, क्या प्रभु कभी तू मुझे भी खड़ा करेगा चंगा करने के लिए, छुटकारे देने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, या प्रभु क्या कभी तू मेरा भी विश्वास बढ़ाएगा, क्या प्रभु तू कभी मेरे द्वारा भी अपनी महिमा लेगा, मेरे द्वारा भी क्या कभी तू बड़े बड़े काम करेगा, क्या कभी ऐसा समय आएगा। प्रभु प्रभु कहता है जो बातें मैंने कही हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, प्रभु कहता है कि जो बातें, जो वचन, मेरा एक एक वचन ताया हुआ है, उनको पूरी होने में चाहे विलंब भी हो, चाहे देर भी लगे, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। लेकिन बात यह है कि हम आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए जाएं, कि हम भी खुदा बाप को कहीं धोखा तो नहीं देंगे, कहीं हम पहले नंबर की कैटेगरी के लोगों के समान तो नहीं बने, बिल्कुल बनने भी ना पाए। अपने लिए ये दुआ करना कि प्रभु मुझे ऐसी कोई आशीष, मुझे ऐसी कुछ भी वस्तु, व्यक्ति और प्राणी नहीं चाहिए जो मुझे तुझ से दूर करे, मुझे वो देना जो तेरी ओर से है और जो मेरे लिए भला है, मेरे जीवन में मेरी नहीं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई और बहनों, आज ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रोते हैं, इंतजार करते हैं कि प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब इस्तेमाल करेगा, प्रभु तू मेरे को याद करेगा ना, तो इस पृथ्वी पर मुझे तो देख रहा है ना, प्रभु मेरे को तो इस्तेमाल करेगा ना, वो करेगा, एक निश्चित समय पर तुझे इस्तेमाल करेगा और उठाकर खड़ा करेगा और तुझसे अपनी महिमा को लेगा, और लोग तुझ में मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे देखेंगे, मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, मुझे समझेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु बहुत प्यार करता अपने सभी लोगों से, वो बतलाना चाहता है बस धीरज धर। लेकिन दूसरे परमेश्वर के अभिषिक्तों ने मुझे धोखा दिया, क्या तू मुझे धोखा तो नहीं देगा ना, कहीं तुझसे मैं दूर तो नहीं हो जाऊंगा ना, कहीं तू मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं तू संसारिक अभिलाषा व आशीषों में तो कहीं तू चिपक तो नहीं जाएगा ना, कहीं तू इन्हीं में लिप्त तो नहीं रहेगा ना, कहीं तू मनुष्य को खुश तो नहीं करता ना, करता रहेगा ना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बतलाना चाहता है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए, तैयारी के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, जो लाइनों में लगे हैं, और एक समय आएगा प्रभु उनको उठाएगा। और पहली नंबर की कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको सब कुछ मिला लेकिन उन्होंने खो दिया और वो भी आज रोते हैं। और दूसरे नंबर की कैटेगरी के लोग वो हैं जो आज चाहते हैं कि प्रभु हमें सब कुछ मिले और हम तेरे लिए इस्तेमाल हों और कभी तुझे धोखा ना दें। हालेलुया। तो प्रभु आज चाहता है कि हम वो दूसरे नंबर की कैटेगरी के लोग बने, कि हम आखिरी सांस तक विश्वासियों के पाए जाए, प्रभु हमें सब कुछ दे दे, तब भी हम प्रभु को ना तो कभी छोड़े, ना तो वचन के साथ कभी खिलवाड़ करें, ना तो हम वचन को धोखा दें, ना प्रभु को धोखा दें, ना संसार को प्रसन्न करें, वरन प्रभु की इच्छा को पूरा करें। जो सेवा उसने हमें सौंपी है उसको हम पूरा करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, प्रभु की बात को माने, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें, उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, चाहे वो दे या ना दे तो भी हमारा परमेश्वर रहे, चाहे वो चंगा करे या ना करे तो भी हमारा परमेश्वर रहे। हालेलुया। बस प्रभु चाहता है, देख मैं कहता हूँ, देख तेरी आशा कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी, तू फिर कभी लज्जित ना होगा। क्या तू ये कह सकता है, क्या तू ये कह सकती है, क्या तू अपने मन में ये विश्वास रखती है
या रखता है कि तू मेरी आशा और विश्वास को तो नहीं टूटने देगा जो तुझ पर मैंने रखा है कि तुझसे मैं अपनी महिमा लूंगा। कहीं तू मुझे धोखा तो नहीं देगा, कहीं तू मुझे धोखा तो नहीं देगी। मुझे पता है कि तू अपने आप से नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, लेकिन जो तुझ में सामर्थ्य देता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो उसमें सब कुछ कर सकती है। याप बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे और सरेंडर कर और मेरे अनुसार चल, मेरी बाट जो और मेरी सुनकर चल, और मैं तेरे साथ साथ हूँ। आमीन।